प्रतिष्ठा और चरित्र मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। जब मनुष्य धन अर्जित करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है, जैविक संसाधन प्राप्त करता है, तब प्रतिष्ठा आती है। और ये चरित्र, ये तो मनुष्य का श्रेष्ठ स्वभाव, उसके सत्कर्म, इसी का फल है। मनुष्य इस प्रतिष्ठा को अपने जीवन का अस्तित्व मान लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करता है। यहां तक कि चरित्र को दांव पर लगाने के लिए भी वो सज्ज हो जाता है, क्योंकि मनुष्य एक बात नहीं जानता कि यदि प्रतिष्ठा का नाश हो जाए तो इससे जीवन का नाश नहीं होता। पुनः परिश्रम करके, निरंतर प्रयास करके प्रतिष्ठा को पाया जा सकता है, किंतु एक बार आपके चरित्र का नाश हो गया तो आपका जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, ये बात निश्चित है, और पुनः इस चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। मनुष्य के जीवन का वास्तविक अस्तित्व उसके चरित्र से है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अत्यंत श्रेष्ठ है तो उसे संसार में सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी उसे आवश्यकता है। हो सकता है वो सारे भौतिक संसाधन उसे उस मात्रा में ना मिले जिसमें हम सब उसकी कामना करते हैं, किंतु उसका जीवन और उसका अंतर्मन सुख और आनंद से परिपूर्ण रहेगा, ये बात निश्चित है। और कई सारे व्यक्ति जिनके पास प्रतिष्ठा है, उन्हें भी अंतर्मन और जीवन का ये सुख नहीं प्राप्त होता। अब आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।